सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। अमीश देवगन के हर एक सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। टीआरपी के खेल से लेकर बंगाल में होने वाले चुनावों तक उन्होंने अपनी हर बात को रखा है और सीधे तौर पर यह बताया है कि बंगाल में इस दफे परिवर्तन होकर ही रहेगा। और साथ ही मौजूदा समय में जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कानून किसानों के हक में है और किसानों से बातचीत करने के लिए उन्हें न्योता दिया गया है, उनकी बात सुनने के लिए केंद्र सरकार तैयार है और इस बारे में अगर कांग्रेस पार्टी कोई भ्रम फैला रही है तो उसे संभल जाना चाहिए, क्योंकि यह विषय राजनीति करने का नहीं है। किसानों के आंदोलन पर इस तरह सियासत नहीं की जानी चाहिए, यह ठीक नहीं है। इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में जाने और वहां प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। बुराड़ी में खाली ग्राउंड है, किसानों को वहीं इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। पुलिस ने किसानों को बुराड़ी से आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। तो ये तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं किस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। इधर किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में जाने और वहां प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। किसान दिल्ली आना चाहते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अपनी बात लेके आने के लिए कि हम तंग हैं 3 बिलों के अंदर, पर उनको बार बार रोका जा रहा था। अब सुबह से उनसे जो वार्ता हुई है, वार्ता से ये है कि दिल्ली में आ रहे हैं, आप स्वागत करो। तो अब दिल्ली पुलिस जो है, अब उनसे जो बात हुई है, अब सीधा हम लोगों ने देखा है, इसका इंस्पेक्शन भी किया, साथ साथ इंस्पेक्शन भी किया, हम लोगों ने ग्राउंड का इंस्पेक्शन किया है। वहीं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए हैं टॉयलेट्स बनाने, 300-400 टॉयलेट्स बन जाएंगे, 100 टैंकर पानी के आ जाएंगे, व्यवस्था भी करना, खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब जो है दिल्ली पुलिस ही इनको यहाँ तक अंदर दिल्ली में लेके आएगी। और इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल, सिंघू बॉर्डर से दीपक रावत, हिसार से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल क्या इरादा है इन किसानों का? उन्हें पुलिस ने इजाजत तो दे दी है, दिल्ली आइए और बुराड़ी ग्राउंड में अपना प्रोटेस्ट कीजिए। जी, अब मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो किसान सुबह सुबह निकले थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, अब उन्हें रोक दिया गया है NH9 पे। भोडा जगह है ये फतेहाबाद जिले में। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 9 NH9 पे किस तरीके से मिट्टी डालकर यहाँ पर इसको बंद किया गया है। और इससे पहले जो हमने देखा था कि जब मिट्टी डाली गई थी, बड़ी बड़ी पाइपें थी, वहां पर पुलिस के जवान नहीं थे और पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे काफी ज्यादा तादाद में पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है। ये तस्वीरें हैं लोकल पुलिस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं, ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से ये दिल्ली जाना चाहते हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फिलहाल किसानों को यहाँ पर रोकने की कोशिश है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो किसी भी तरीके से वो नहीं रुकेंगे, वो दिल्ली कूच करेंगे, अपनी बातें सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि जब मैंने उनसे बातचीत की, बार बार कहा कि किसान बातचीत करने के लिए कह रही है 3 तारीख मुकर्रर किया गया है, तो इस पर उनका कहना है कि वो पहले दिल्ली पहुंच जाए, उसके बाद बातचीत होगी। तो मैं एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, लोकल पुलिस आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और किसानों को फिलहाल NH9 पर रोका गया। इससे पहले जब किसानों को सिरसा से पहले रोका गया था, उस वक्त किसानों ने खुद बड़ी बड़ी पाइपें को अपने हाथों से तोड़ दिया था, मिट्टी को हटा दिया था, अपने लिए रास्ता समतल कर लिया था, NH9 पर रखा गया था, लेकिन वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो आप सीधी तस्वीरें देखिए, एक तरफ मिट्टी, पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग, उसके बाद दोबारा पुलिस फोर्स, और उसके बाद वहां देखिए किसान आमदा है जाने के लिए। जो उनके नेता है वो लगातार आप सुन सकते हो कि लाउड स्पीकर से वो कह रहे हैं कि उन्हें आगे जाना है और उन्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली कूच करना है और दिल्ली में अपनी बातें सबके सामने, सभी नेताओं के सामने रखना है। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल NH9 भोडा में, किसान और पुलिस आमने
सामने है। पुलिस ने बड़ी चालाकी से जिस तरीके से सिरसा में इनको रोकना चाहा, लेकिन पुलिस वहां पर सफल नहीं हुई हरियाणा पुलिस। और अब जो है आपके पास आऊंगी, हमारे साथ प्रियंका कांडपाल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से जुड़ी हुई है। प्रियंका, वहां क्या स्थिति है किसानों को लेकर? मैं आपको सीधा टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस ने बोला कि तमाम किसान जो है वो यहाँ से ट्रैक्टर लेकर जा सकते हैं निरंकारी ग्राउंड तक। ऐसे में उसके बाद 5 ट्रैक्टर गए भी, लेकिन उसके बाद अब यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जो पुलिस बल है वो लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पर 2 गुटों में जो फिलहाल किसान हैं वो बटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक गुट है जो कह रहा है कि जिनको सुबह हिरासत में लिया गया है उनको डिटेन किया जाए, और दूसरा गुट कह रहा है कि हम यहाँ जाम ही करेंगे, हमें अंदर नहीं जाना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस लगातार समझा रही है। ये ट्रैक्टर जिससे सुबह पुलिस ने पंचर किया था वो तैयारी कर रहा है यहाँ से जाने की, और लगातार पंचर लग रहा है। इसके बाद पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो आपको आंदोलनकारी नजर आएंगे। वाटर कैनन के पास जो पुलिस है वो किसान नेताओं को यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है कि जब उनका मकसद दिल्ली जाना ही था, ऐसे में जब उनको दिल्ली भेजा जा रहा है तो अब वो क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके पीछे आप देखेंगे कि जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी जिसे पार करके सुबह ये तमाम आंदोलनकारी आए थे, अब उसी के ऊपर खड़े हो गए हैं और उसके पीछे काफी संख्या में लोग बैठे भी हुए हैं। यहां पर अब एक नई तरीके की कंफ्यूजन है क्योंकि कोई एक नेता यहां नहीं है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो अपने मन मुताबिक यहां चल रहे हैं। जो ट्रक गए थे आप देख रहे हैं कि पलट के भी एक ट्रक वापस आ गया है। ऐसे में जो ट्रक निकाले गए जो यहां से जा रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं, और ये एक नई सिचुएशन यहां पर बनती हुई दिख रही है। क्योंकि किसानों की पहले मांग यही थी कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, अब जब दिल्ली जाने के लिए उनको अनुमति मिल गई है कि वो जाकर निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसे में अब ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनको उलझा रही है। इनको ये भी डर है कि यहाँ से जो निरंकारी ग्राउंड है वहाँ ले जाने के बहाने सरकार इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इनका डर है कि क्या पता किसी टेम्प्रेरी जेल में इन्हें डाल दिया जाए। और ये तमाम तरीके के गेसेस हैं जिसको लेकर फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहीं पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिलहाल आप देखेंगे कि जो ग्रुप्स में जो पुलिस है वो समझाने की कोशिश कर रही है। आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाएं कि किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग में तमाम आंदोलनकारी खड़े हैं, और वो जब तक कोई निर्देश यहां से नहीं मिलता, देखिए दूसरा ट्रैक्टर भी वापस आ गया है। तो जो ट्रैक्टर्स पहले गए थे वो ट्रैक्टर वापस आ रहे हैं। इनमें जो किसान हैं उनके रसद का सामान है। किसानों ने पहले ही साफ किया था कि बिना ट्रैक्टर के वो नहीं जाएंगे, और ऐसे में ट्रैक्टर के साथ इनको जाने की अनुमति दी गई क्योंकि इनके रसद का सामान है जिसमें वो आज रात के लिए खाना ले जा सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद भी जो किसान है वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं और यहीं अड़ गए हैं। पुलिस लगातार इन्हें यहाँ समझा रही है और संख्या बहुत ज्यादा है। ये तस्वीरों के जरिए साफ दिख भी रही है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये आंदोलन कई जगहों पर उग्र भी हुआ है, और इस बीच कई जगह पर मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई है। ये इस वक्त 8 तस्वीरें जो इस आंदोलन की तपिश को बखूबी बयां कर रही है। सिंधु बॉर्डर से सीधे दिल्ली की तस्वीरें हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें जहां से लाइव हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई है, अंबाला की तस्वीरें जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिरसा की तस्वीरें जहां पर पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा है, और बड़ी संख्या में नरवाना में जुटे हैं ये किसान, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जहां पर वहीं बैठ गए हैं किसान जहां से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, गाजियाबाद की तस्वीरें वहां पर डट गए हैं कि अब हम एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस पहुंची है और भर भर कर अपनी जीपों में इन किसानों को ले गई है, और ये तस्वीरें इस आंदोलन को बता रही हैं कि किस तरह से किसानों ने ठोस रणनीति के तहत अब इस आंदोलन को आगे ले जाने की नीति बना ली है, उसी पर आगे चल रहे हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, जहां जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर किसान किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? प्रीति, इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर हैं जहां पर थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा टेंशन थी, लेकिन अब जिस तरीके से इनसे बात हुई है उसके बाद अब इनको आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। इस वक्त तस्वीरें थोड़ी करीब से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं वो अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें जिस तरीके की इजाजत दी गई है उसके बाद वो आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले भी एक मीटिंग उनके बीच में चल रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे वहां पर जो इनको निरंकारी मैदान में बोला गया कि वहां पर
सब लोग रहेंगे तो वहां पर कैसे आगे प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये तमाम तैयारियों के साथ एक मीटिंग की जा रही है जिस पर रणनीति तय की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप जल्दी यहां से निरंकारी मैदान तक पहुंचिए ताकि यहां पर हम जो रास्ता बंद है उसको खोल सकें, क्योंकि काफी समय से नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं और परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो किसान है वो अभी हट नहीं रहे हैं, जबकि बैरिकेड जो है वो पुलिस ने हटा दिए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी वो बैरिकेड सब हटा दिए गए हैं। बस इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बुराड़ी के निरंकारी मैदान तक पहुंचे और फिर वहां पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखें। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान जो जमा है वो एक जगह पर, ये देखिए सड़क के बीचों बीच में किसान अभी भी बैठे हुए हैं। इन्हीं को पुलिस ने समझाने की लगातार कोशिश की कि आप हट जाइए, आप उठ जाइए, अब तो आपको इजाजत भी मिल गई है, लेकिन ये किसान जो है वो अभी भी इस तरीके से बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें निरंकारी मैदान तक नहीं जाना था, इन्हें तो आगे भी जाना था, इन्हें तो संसद का घेराव भी करना था, इन्हें पीएम के आवास तक भी जाना था, लेकिन वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। तो कुछ लोग अड़े हुए हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मिली जुली तस्वीर जो है सिंधु बॉर्डर है, जहां आज सुबह से दीपक ये तस्वीरें आप ही ने दिखाई थी, जहां आंसू गैस के गोले दागे गए थे किसानों पर और उन पर किस तरह से बल प्रयोग करने की कोशिश की गई थी ताकि उन्हें रोका जा सके, आगे बढ़ने ना दिया जाए। इधर किसान कानून को लेकर एक तरफ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं यूपी और राजस्थान के किसान सरकार के लाए कानून से खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में यूपी और राजस्थान के किसानों ने मोदी सरकार और योगी सरकार की तारीफ करते हुए साफ किया कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानून पर सबसे बड़ी पड़ताल, यूपी राजस्थान में दिखी अलग तस्वीर। यूपी राजस्थान में पंजाब जैसा हाल नहीं, कानून से खुश यूपी राजस्थान के किसान। इस वक्त की अहम खबर कृषि कानून से जुड़ी, जहां पंजाब के किसानों ने कृषि कानून पर हल्ला बोल कर दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली पुलिस पंजाब के किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां माहौल बिल्कुल उलट मालूम पड़ता है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे लगातार जाम प्रदर्शन चल रहा है, केंद्र सरकार की जो कृषि नीति है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये लखनऊ की दुबग्गा की मंडी है, आप यहाँ देखिए सुबह से ही किसानों की भीड़ लग जाती है और यहाँ इस तरह का कोई माहौल आपको नहीं दिखेगा। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसान आंदोलन पर है, दिल्ली कूच कर रहे हैं, राजस्थान में अभी बिल्कुल तस्वीर अलग है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ और राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां की मंडियों में न्यूज 18 की टीम पहुंची किसानों के दिल का हाल जानने, और बातचीत में पता चला कि यहां की तस्वीर पंजाब से बिल्कुल उलट है। लखनऊ में तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी सभी मांगे पूरी कर रही है और कृषि कानून से उनको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में किसान हड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं पूरी, लेकिन यूपी के किसान हड़ताल नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मांगे पूरी हैं उनकी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, हाँ सब्जी भी आपकी अच्छी बिक रही है। हाँ मद्दी बिक रही है, मगर अच्छी बिक रही। इतना ही नहीं, यूपी की राजधानी में ये किसान सरकार से बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। खुश है, बहुत खुश है हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग योगी सरकार को जिताएंगे, फिर से मोदी को लाएंगे। साथ ही इन किसानों ने पंजाब के किसानों के साथ राजनीति होने का आरोप भी लगाया। यहाँ तो सर बेचेंगे ही, वहाँ धान बिक रहा है, वहाँ राजनीति की वजह से किसान परेशान है, वो खुद में परेशान नहीं है। कमोबेश यही हालात राजस्थान के जयपुर में भी देखने को मिले और यहाँ के किसानों ने भी एक स्वर में सरकार के लाए कृषि कानून को सही बताया। बिल गलत नहीं है, सही करा है मोदी सरकार ने, करा जो कानून सही है किसानों के लिए, किसानों को फायदा होगा ना। और एक एक कर कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। मोदी सरकार कानून बने वो सही है, बिल ठीक है, ठीक है, फायदा होगा आपको, हमारे किसान को फायदा होगा। कैसे? किसान वहाँ मर्जी बेच सकता है, महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा कहाँ भी माल बेच सकता है, पहले बेच नहीं सकता था किसान। हालांकि यूपी राजस्थान में भी कहीं न कहीं ऐसे किसान हैं जो कृषि कानून के विरोध करने के संकेत दे रहे हैं। उस आक्रोश पैदा हो रहा है जगह जगह, बिक रहा है थोड़ा डाउन बिक रहा है, रेट हमें जो चाहिए मिल नहीं रहा है। और इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हुई यूपी के मुजफ्फरनगर और मथुरा में, जहां किसान पंजाब के किसानों के समर्थन में एकजुट होते नजर आए। वैसे यूपी राजस्थान में अभी पंजाब जैसे परेशान करने वाले हालात तो नहीं बने हैं, लेकिन कुछ किसानों के मन में आंदोलन की आग से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मोटे तौर पर फिलहाल यूपी राजस्थान की मंडियों में पहुंचे किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। अमित का सीधा रुख कर लेते हैं, फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप आइए अपने भ्रम को दूर कीजिए, लेकिन फिर भी किसान क्यों इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, और ये बार बार ये सवाल मैंने किसान नेताओं से पूछा, किसानों से पूछा, जो लोग लगातार मेरे पीछे इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, NH9 पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, और लगातार मैंने इनसे सवाल पूछा कि आखिरकार जब केंद्र सरकार कह रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, बातचीत हो रहे थे और आने वाले 3 तारीख को एक तारीख मुकर्रर की गई है बातचीत करने के लिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम फिलहाल वो दिल्ली कूच करेंगे और कूच करने के बाद जो बातचीत होगी तभी वो बातचीत करेंगे। अब देखिए किसान नेता इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, वो पुलिस के जवानों से बातचीत करना चाहते हैं। किसान नेता एक बार फिर ये वापसी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ये पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक और तस्वीर में प्रीति आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए किस तरीके से हाईवे पर यहाँ पर मिट्टी डाला गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से इनको रोकने के लिए। बार बार केंद्र सरकार कह रही है इन किसानों से कि ये बातचीत करना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि महीनों से वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी बातें नहीं सुनी गई, अब जो बातचीत होगी दिल्ली पहुंचकर ही बातचीत होगी, इस सड़क में भी चाहे दिल्ली से फतेहाबाद आने वाले रास्ते या फतेहाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता, हर तरफ दोनों तरफ सड़कों पे इस तरीके से मिट्टी डाली गई है। पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है। इससे पहले भी सिरसा में कोशिश की गई थी इन किसानों को रोकने की, लेकिन वो असफल रहे। वहां पर बड़े बड़े पाइप और मिट्टी रखी गई थी नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ के रास्तों पर, लेकिन उस मिट्टी और पाइप को किसानों ने हटाया और एक बार फिर से यहाँ पर वही रणनीति अपनाई है हरियाणा पुलिस, लेकिन वहां पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर थे नहीं, जिसके वजह से टकराव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद है, और फिलहाल जो किसान है वो सड़क पर बैठ गए हैं, नारेबाजी हो रही है, लगातार नारेबाजी हो रही है, हजारों की तादाद में ये किसान है, भटिंडा और तमाम दूसरे जगहों से ये किसान पहले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दाखिल हुए और सुबह 10 बजे बैरिकेटिंग तोड़कर ये हरियाणा की सीमा में दाखिल हुए, उसके बाद से लगातार ये चल रहे थे पुलिस। हालांकि एक बात और कही जा रही है अमित, कि ये जो जितने भी किसान जुड़ रहे हैं ये वो किसान हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन राज्यों से प्रोटेस्ट हो रहा है, खासतौर पर पंजाब की बात की जा रही है। इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्र सरकार किसानों से आंदोलन वापस लेकर बातचीत करने की अपील कर रही है, लेकिन किसान दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले, किसानों को खदेड़ने की कोशिश, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा, पुलिस
किसान आमने सामने। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों की जो बरसात शुरू हुई वो काफी देर तक जारी रही। कई बार पुलिस ने किसानों से वापस जाने की अपील की, लेकिन जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक तरफ पुलिस और प्रशासन किसानों को वापस जाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी ओर पंजाब से आ रहे किसानों को समझाने के लिए खुद कृषि मंत्री सामने आ गए हैं। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, केंद्र का किसानों से बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए हैं। ये जो मिट्टी डाली गई है सड़क पे, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो सड़क पे मिट्टी डाली गई है उस मिट्टी के ऊपर से अब ट्रैक्टर के जरिए इस मिट्टी को यहाँ से हटाने की कोशिश होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे ट्रक भी लगाया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से ट्रक भी लगाया गया है। एक बार मैं तस्वीरें से कहूंगा कि आपको दिखाएं, मेरे पीछे देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर मिट्टी लगाई गई थी, रखी गई थी, उस मिट्टी के ऊपर इस वक्त बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो किसान है उस पर चढ़े हुए हैं और इस बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर पत्थर तोड़ेगा, पत्थर तोड़ेगा उसको भी उठाएगा, मिट्टी करा देता है, पत्थर तोड़ेंगे ये लोग। इन लोगों का साफ साफ ये कहना है, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं जिस तरीके से सिरसा में रखे गए थे उसी तरीके से पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। तोड़ने के बाद दोनों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, दोनों तरफ सड़कों पे देखिए ट्रक भी लगाया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। एक तस्वीर मैं सुरक्षा बलों को दिखा रहा हूँ, सुरक्षा बल हट गए हैं अभी रास्तों से, वो साइड में आ गए हैं। और जो ये ड्रम आप देख सकते हैं, उस ड्रम को उठा कर किसानों ने फेंक दिया नीचे। दोनों तरफ ट्रक लगाए गए हैं, उधर जो ट्रक लगाए गए हैं उस ट्रक को पीछे करने की अपील कर रहे हैं ट्रक ड्राइवरों से। किसान आप तस्वीरों में देखिए, किसान इन ट्रकों को, ये ट्रक जो है हरियाणा पुलिस ने लगाया था, अब इन ट्रकों को पीछे करने की बात कर रहे हैं किसान और लगातार ड्राइवरों से बोल रहे हैं कि इन ट्रकों को पीछे किया जाए। देखिए किस तरीके से गुस्से में है किसान। एक बार सिरसा में कोशिश हुई थी इसी तरह से रोकने की, उस समय असफल रहा था हरियाणा पुलिस, और अब जो है एक बार फिर यहाँ पर फतेहाबाद में ये कोशिश की गई है, भोडा फतेहाबाद में किसानों को रोकने की। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान देखिए वहाँ खड़े हैं साइड में, क्योंकि किसान जो है काफी गुस्से में आ गए। और जो ट्रक बीच सड़क पे हरियाणा पुलिस की तरफ से लगवाए गए थे उसे हटवाने की कोशिश हो रही है, किसानों के जरिए। किसान जो है इस वक्त ट्रकों के ऊपर चढ़ चुके हैं, ट्रकों के ऊपर है किसान। ये किसान केवल इतना कह रहे हैं कि इन्हें दिल्ली कूच करना है। जो हम बार बार उनसे एक सवाल करते हैं, पूछते हैं कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, तो वो कहते हैं नहीं, हम दिल्ली जाकर बात करेंगे। और यहाँ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो किसान है वो इस वक्त देखिए किस तरीके से ऊपर है, बैरिकेडिंग इन्हें तोड़ा। एक बार सिरसा में कोशिश की गई थी इन्हें रोकने की हरियाणा पुलिस के द्वारा, सिरसा में कोशिश हुई थी उसे किसानों ने विफल किया, वो आगे बढ़े और एक बार फिर यहाँ कोशिश हुई है और उसके बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ा किसानों ने। तोड़ने के बाद अब देखिए किस तरीके से गुस्से में है किसान। किसान केवल इतना चाहते हैं, बार बार ये कह रहे हैं जब हम सवाल पूछते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से जाना है दिल्ली। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप प्रीति।